क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद प्रतियोगिताओं का क्षेत्र हो, जो नए आयाम स्थापित किए हैं वो आदरणीय श्री देवेंद्र गुप्ता जी और हमारे प्राचार्य महोदय जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से संभव हो सका है। और समय सर, मैं ये विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि हमें इस बात का न केवल गर्व है अभी तो अभिमान है कि आपका कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन हमें मिला है। एक जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे स्पोर्ट्स कन्वीनर डॉक्टर केएल कौशिक जी से कि हमारे महाविद्यालय की जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, उनका विवरण, उनका ब्यौरा हमसे साझा करें। मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार जी, SDM बल्लभगढ़, चेयरपर्सन श्री देवेंद्र गुप्ता जी, प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत जी, प्रबंध समिति के सदस्यगण, अन्य सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, मेरे प्राध्यापक साथियों, गैर शिक्षण कर्मचारी और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका कॉलेज की स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर वर्ष कॉलेज में 2 दिवसीय एथलेटिक मीट का आयोजन किया जाता है। इन 2 दिनों में रेसेस, थ्रोज, जंप्स के डिफरेंट इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे साल हमारे विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनेक प्राइज जीतकर हमारे कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। इस वर्ष 2018-19 की कुछ उपलब्धियां आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले नेशनल लेवल की उपलब्धियां, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के में इंटर यूनिवर्सिटी पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में अनमोल जैन BBA सेकेंड ईयर ने गोल्ड मेडल जीता। इसी में टीम के अंदर भी गोल्ड मेडल है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 18 जनवरी 2019 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित खेलो इंडिया 2019 में पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर मिक्स में अनमोल जैन ने ही गोल्ड मेडल जीता और कॉलेज का नाम रोशन किया। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2018 के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर में विकास डागर BBA फर्स्ट ने गोल्ड मेडल जीता और कॉलेज का गौरव बढ़ाया। 7 से 8 फरवरी 2019 के बीच आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में विकास डागर BA सेकंड ने सिल्वर मेडल जीता और एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुए। 12 जुलाई से 14 जुलाई 2018 के बीच लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग मैन चैंपियनशिप में सुमित BA फर्स्ट ने गोल्ड मेडल जीता। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2018 के बीच कर्नाटक में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साउथ इंडिया सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सुमित BA फर्स्ट ने सिल्वर मेडल जीता। अब मैं आपके सामने कुछ स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल की अचीवमेंट रख रहा हूँ। 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2018 के बीच चार्ट कॉलेज रोहतक में आयोजित इंटर कॉलेज पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर में अनमोल जैन BBA सेकंड, विकास डागर BBA फर्स्ट, सचिन भाटी BCA फर्स्ट ने गोल्ड मेडल जीता। 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2018 के बीच अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में आयोजित इंटर कॉलेज आर्चरी चैंपियनशिप कंपाउंड राउंड में नीरज यादव MCOM फाइनल, योगेश कुमार BCA फर्स्ट, हरकेश MA हिंदी ने गोल्ड मेडल जीता। 20 से 22 अक्टूबर 2018 के बीच अग्रवाल कॉलेज में ही आयोजित इंटर कॉलेज आर्चरी टूर्नामेंट में रिकर्व राउंड में जितेंद्र BA फर्स्ट तथा इंडियन राउंड में शिखा BA फर्स्ट ने गोल्ड मेडल जीता। 15 से 16 फरवरी 2019 के बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स MD रोहतक में आयोजित इंटर कॉलेज किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपेक्षा BA सेकंड, रवीना BA सेकंड ने गोल्ड मेडल जीता।
दिसंबर 2018 के बीच रोहतक में आयोजित 13वीं हरियाणा स्टेट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में हमारी कॉलेज की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। इस टीम में हमारे 11 विद्यार्थी थे। 22 से 23 दिसंबर 2018 के बीच रोहतक में ही आयोजित 33वीं सीनियर हरियाणा स्टेट बेसबॉल चैंपियनशिप में हमारी कॉलेज की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। इस टीम में भी हमारे 11 विद्यार्थी थे। 8 से 9 फरवरी 2019 के बीच रोहतक में आयोजित इंटर कॉलेज सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में हमारी कॉलेज की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। इसमें हमारे 18 विद्यार्थी थे। 13 फरवरी 2019 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक में आयोजित इंटर कॉलेज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राधा भाटी बीकॉम फाइनल ने सिल्वर मेडल जीता। 15 से 16 फरवरी 2019 के बीच रोहतक में ही आयोजित इंटर कॉलेज किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रियंका भाटी BA2, सुजाता BA2, नीरू बीकॉम CA ने सिल्वर मेडल जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया। 17 से 18 अक्टूबर 2018 के बीच MDU रोहतक में आयोजित इंटर कॉलेज वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सविता सिंह BA फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स ने सिल्वर मेडल जीता। 15 से 16 अक्टूबर 2018 के बीच MDU रोहतक में आयोजित इंटर कॉलेज मेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश BA फाइनल ने सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा इंटर कॉलेज के टूर्नामेंट में हमारे विद्यार्थी ने 25 से ज्यादा मेडल जीते। तालियां बजाकर इनका हौसला अफजाई करें। माइनवर, इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी न केवल स्पोर्ट्स में बल्कि एकेडमिक कल्चरल में भी कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। इन अचीवमेंट्स का श्रेय हमारे विद्यार्थियों को, प्राध्यापकों को, हमारे DPs नंद किशोर जी, डॉक्टर जगबीर सिंह और श्री परवीन को जाता, लेकिन सबसे अधिक श्रेय हमारे प्रधान श्री देवेंद्र गुप्ता जी को और प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण कांत जी को जाता है। अंत में मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी इसी तरह से कॉलेज का नाम रोशन करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, ये लंबी लिस्ट हमारे SDM बल्लभगढ़ जी, मैं उनका अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो, मुझे तो आज बोलना नहीं था, मैं क्या, मैं कल बोलूंगा, कल बच्चों का समापन है। पर अभी स्टार्टिंग में मैडम ने, अपनी सुप्रिया मैडम ने, आप लोगों की तुलना, आप लोगों को बच्चे कहा और नदियों से तुलना की। देखो, बच्चे जब तक होते हैं जब तक स्कूल में होते हैं, और बच्चा जहां भी आ गया तो उसकी गलती हर आदमी माफ कर देता है, और नदी ने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। तो बच्चे ना कभी गलती करते हैं तो उनकी गलतियां माफ हो जाती हैं, और नदी यदि थोड़ा बहुत जोर से उफान लेते किनारे के थोड़ा सा बाहर आते, पर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती। देखो, तो आप लोग बच्चे नहीं रहे, अब आप कॉलेज में आ गए हैं, आप यंग हैं, युवा हैं, और आपकी तुलना में हमेशा समुंदर से करता हूं। देखो, तो जब तक आप, समुंदर बहुत गहराई होती है, और समुंदर ने जब भी कभी अपनी मर्यादा तोड़ी है तो पूरे शहर के शहर उसने तबाह कर दिए हैं, और कहीं कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा है। और देखो, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप समुंदर तो बन गए पर अपनी मर्यादा कभी ना तोड़ें। और आज जो आप एक खेल की जो आपकी प्रतिज्ञा हो रही है, इसको खेल भावना से खेलें, दुश्मनी की भावना से नहीं। देखिए, आजकल तो एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा उनमें से गिर जाता है तो दो बच्चे रुकते, उस बच्चे को उठाते, फिर उसको लेके भागते हैं, चाहे वो प्राइज लेने से तो चूक गए, पर देखो उन्होंने अपनी खेल भावना दिखाई कि मेरा एक साथी गिर गया है तो ये नहीं हम उससे भाग के आगे ले आए, उनको उसको उठाते हैं और फिर दौड़ते हैं। तो आप लोगों से आज ज्यादा कुछ कहते नहीं कि SDM साहब को जाना है, उनको कुछ कहना भी आप लोगों से, तो आप अपनी मर्यादा में रहें, खेल को खेल भावना से खेलें। एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
अंग्रेजी में एक शब्द है सर, एनर्जी बूस्टर. यू आर अवर एनर्जी बूस्टर, पावर बूस्टर. आप जिस तरह से अपने व्यस्तम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम तहे दिल से इसके लिए आपके आभारी हैं. और अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आएं और हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन दें. आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी, प्रिंसिपल के गुप्ता जी, भगवान दास जी, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूँ. चीनी बूढ़े ने पहाड़ हटा दिया. किसी ने सुना है? चीनी बूढ़े ने पहाड़ हटा दिया. चीन का एक आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी और उसके जो खेत थे वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर थे. वहाँ वो खेती नहीं कर सकता था हर रोज जाकर, क्योंकि आने जाने में उसका टाइम होता था खराब. लेकिन बीच में एक पहाड़ था जिसमें से रास्ता बनाया जा सकता था. उसने रास्ता बनाने की शुरुआत कर दी. लोगों ने कहा ये पागल है, इतना बड़ा पहाड़ जो कि सदियों से है, ये एक आदमी इसको कैसे हटाएगा. लेकिन उसके सामने अस्तित्व का सवाल था, जिंदा रहने का सवाल था, क्योंकि खेत में नहीं जा पाएगा तो वहाँ पे खेती नहीं होगी और बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. उसने सोचा अगर एक पीढ़ी ने मेहनत करके रास्ता बना दिया तो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे उसने काम शुरू किया उसके परिवार का कोई मेंबर उसके साथ नहीं गया और उसको पागल कहा कि ये पागल है, बूढ़ा है, इसका दिमाग सरक गया है, हिल गया है. लेकिन जब उसने हौसला नहीं तोड़ा, एक महीना दो महीने उसके परिवार के मेंबर भी लग गए उसके साथ कि चलो पागल है लेकिन काम कर रहा है, चलो हम भी सहयोग करते हैं. फिर गांव वाले उस परिवार को पागल कहने लगे कि ये पागल परिवार है, पहाड़ को कैसे हटा देगा. फिर उसके पड़ोसी भी यही कि ये तो पागल है. लेकिन पड़ोसियों ने एक साल बाद सहयोग करना शुरू कर दिया, अपनी कुदाली कसी लेकर कि चलो हम भी थोड़े बहुत इनकी मदद करवाते हैं. उसके बाद फिर गांव वालों ने ये सोचा कि इनका पूरा पड़ोस लग गया है, हैं तो पागल, चलो हम भी शुरू कर देते हैं. पूरा गांव उस पहाड़ खोदने के लिए निकल पड़ा और 15 साल के अंदर जब वो व्यक्ति 65 साल का हुआ तो पहाड़ में से रास्ता बनाया जा चुका था. उस तो ये एक कहावत है चीन के अंदर, चीनी बूढ़े ने पहाड़ हटा दिया. हौसला एक आदमी का होता है, एक व्यक्ति का होता है और फिर उसके पीछे चलने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं. आपके कॉलेज से अनमोल जैन और भी काफ़ी सारे नाम जो अब गिनवाए गए हैं, उन्होंने शुरुआत की पहाड़ को खोदने की, आपने केवल पीछे पीछे चलना है. और वर्तमान आज से 20 साल पहले जब मैं आपकी जगह बैठा होता था तो टीचर एक ही बात कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. और इसी फार्मूले पे हमने काम किया, हम खेले नहीं और खेले नहीं, पढ़ाई पे हमने ध्यान दिया तो पढ़ाई में कामयाब हो गए. लेकिन पढ़ाई में सारे कामयाब नहीं हुए, जिनमें स्पोर्ट्स की पोटेंशियल था, खेलने का जुनून था, शरीर में ताकत थी, उन लोगों को गेम में आगे कुछ नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस वक्त की सरकारें खेल की तरफ ध्यान नहीं देती थी. आज हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो या दूसरे राज्य की सरकारें हैं, यहाँ तक कि अगर कोई ओलंपिक मेडल जीतता है, हरियाणा सरकार ने अभी एक प्रस्ताव पास किया है कि उसको एसडीएम भी बनाएगी, सीधा एसडीएम, यानी आप केवल खेलने के दम पे एसडीएम बन सकते हैं, केवल खेलने के दम पे. और एसडीएम 10